जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल की ट्रेडिशनल रेसिपी भल्ले, जो कि उड़द दाल के होते हैं। कई अमृतिया के बनाते हैं, कई मतलब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल है और ये शायर में बनते हैं, बैसाखी को बनते हैं, और ये ट्रेडिशनल पकवान है हमारा। ठीक है, तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए कुकिंग का कोई अच्छा सा वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए बता देते हैं। तो ये मैंने रात को भिगो दिए थे और सुबह मैंने इनको ये किया, धो दिया था। ठीक है, तो धोने से पहले ना इस तरह से मतलब भिगो के भीग तो गया थे, उसके बाद ना इनको अच्छी तरह से मैश करना है इस तरह से, ताकि इनका छिलका उतर जाए। वैसे उतर जाता है अगर अच्छी तरह से भीग गए हो ना, पर फिर भी हाथों से जोर जोर से मैश करने पड़ते हैं, मेहनत बहुत लगती है, तब टलती हूँ मैं इन कामों से। आजकल इस पकवान में बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये देखो इस तरह से, तो ये छिलका जो है फिर हमने निकाल लेना है। और मैंने परे जैसे रखा हुआ है, यहाँ पे तसला रखा हुआ है साइड में, तो इस तरह से हमने। और जो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, हमारे जो मीट बेदाना बनता है ना, वो भी इसी दाल का बनता है, माँ छिलका का बनता है। ठीक है, माँ छिलका का जो धाम में बनता है। इसी तरह बहुत सारी दाल भिगोई जाती है रात को, उड़द दाल माँ छिलका, और फिर सुबह उसको धो के बहुत सारी औरतें आती हैं गाँव की, और फिर जो है उसका बनता है ये बेदाना, इनको पीस के इडली बन के। तो आज हम बनाएंगे इसके भल्ले। तो इस तरह से पहले देखो दोनों हाथों से ना इस तरह से, फिर छिलका उतर जाएगा, फिर पानी में फटाफट पानी में ये करते रहो और छिलका निकलता रहता है। बाकी आप सब लोग इस चैनल पे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का। और मुझे एक सजेशन देना कि चल ठीक है पर ले लिया कुछ, तो कि मैं इस पर कुकिंग वाला वीडियो ज़्यादा लाऊं, बस मुझे थोड़ा सा ना वो लगा करेगा, टाइम तो लगता है। अब पता क्या है, मैंने सोचा था कि जब पार वाले घर में जाएंगे तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि वहाँ पे गाय नज़दीक होगी, पर तब मेरे को ये पता नहीं था कि फिर मतलब ये पार वाले घर में तो बढ़िया काम कर देते थे, अब यहाँ पर फिर मेरे को साथ में जाना पड़ता है। दूसरे गाय भी बहुत है ना, एक बंदे के बस का काम भी नहीं है। अब करते करते पाँच हो गई, पहले दो होती थी, तीन होती थी, है ना। सोच रही हूँ मैं कि बस सिया को दे देना है मैंने अब, और मतलब पता नहीं होता, भरोसा नहीं होता, कोई भी कहीं मुझे जाना पड़ जाए या कुछ भी ऐसा तो होगा नहीं, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, तो फिर बहुत सारे दिखते हैं। तो ये सोच रही हूँ मैं अपना शरीर देखते हुए, और सबसे बड़ी बात अब मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती इसके पास बैठने की, मेरे को डर लगता है अब। और ये ख़राब है, मतलब पहले बता देती हूँ मैं कि ये ख़राब है, इसको धोना नहीं है हर किसी के बस का बात नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया है। अब इसके थनों में दूध रहेगा तब भी तो प्रॉब्लम होगी ना, और बाहर लोग दूध देते हैं। अच्छा मशीन ले लेती, अब मशीन का भी इतना बजट नहीं है कि मैं मशीन ले लूँ एकदम से, है ना। तो मेरे को बहुत टाइम लगा था इन माँ को धोने में, और कभी कभी ज़िंदगी में ना पता ये होता है, हमें नहीं बोल सकते, मैं बोलती थी हमेशा कि मैं नहीं दूंगी, लेकिन जब अपना शरीर देखती हूँ, अपने हालात देखती हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि नहीं, जब मैं नहीं कर पाऊँगी तो समझ लो कि फिर घर में कोई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे धोने के बाद जो है बारी यहाँ पे इनको पीसने की। तो मशीन मैंने लगा ली है, इट्टी पीसने की ही ये मशीन है, और ये मेरी शादी को मेरे अम्मा ने दी थी। ये देखो, और इसमें जोर लगता है, मैं कल सुबह इतना थक गई थी ना, बहुत थक गई थी मैं, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे अब खड़ी होके। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने रख दिए माँ जो मैंने धो के रखे थे, और थोड़ा बहुत जो छिलका है वो बच भी जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देखो अब मैं इनको पीस लेती हूँ, कुर्सी के ऊपर मैं भी बैठ गई हूँ। और चलिए, इतना इजी जो लग रहा है ना, इतना इजी नहीं, इसको सेट करना पड़ता है ढंग से, कभी मोटे निकल जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, कभी ये चलता नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और बड़ी मैं आज शुक्रिया को काम हुआ था कि पहली बार ना सही सेट हो गई थी मशीन, सही से अच्छा आ रहा था इसमें जो है इट्टी जो निकल रही थी ना पीस के, वो बढ़िया हो रही थी, बारीक हो रही थी, मतलब पहले इसको ही सेट होने में बहुत टाइम लगता है। आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, उसमें भी हो जाता है पर थोड़ा पतला हो जाता है, पर उसमें तो इजी रहता है ना फिर बहुत। अब सही जो भल्ले के लिए बनता है वो इसी मशीन में बनता है। मैं कभी कभी खड़ी हो जाया करती थी, मैं खड़ी होके पीसती हूँ,
क्योंकि थक जाती थी मैं। ये मैंने साथ में मसाले पीस दिए, इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, लौंग और काली मिर्च। और देखो ये जीरा था इसमें, अभी डब्बा यहीं पे रखा, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा और डाल दूँ क्योंकि जीरे से क्या होता है ना। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं मिर्चें, मिर्चा दो मांग यही था ले में। तो ये डाल दी मैंने मिर्चें, ये बनेंगे स्पाइसी। ठीक है मतलब ये बनेंगे स्पाइसी। तीन काम इसके बहुत ज़्यादा मेन है, पहला इनको धोना, दूसरा पीसना जो कि मेरे घर वालों ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, और तीसरा होता है इसका ये, इसको बोलते हैं मैश करना, और अपनी भाषा में बोलते हैं कहुना। कहुना मीन्स इनको अब इस तरह से मिक्स करना है और बहुत देर तक करना है ताकि ये फूल जाए, फॉर्मेट हो जाते हैं। ठीक है तो अब इतना तो आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन बस इतना बता सकती हूँ कि ये हुई जो मैं कर रही हूँ ना इस तरह से, ये मेरे को कम से कम कोई 20 मिनट करना पड़ेगा इसी तरह से, तब जाके हमारे भल्ले जो है फूले हुए और नरम बढ़ते हैं। ठीक है बहुत से लोग नए जुड़े हैं, वैसे तो ये वीडियो पहले बहुत वायरल हुई थी मेरी, पर अब नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी अपना ट्रेडिशनल, ये मेरे मायके का पकवान है और यहाँ लोग बनाते हैं, कम बनाते हैं इस साइड। ठीक है तो बस, तो कौने के बाद इनको मैंने थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने तवा रखा था। पीछे जो है खीर बन रही है, एक साइड चावल है, क्योंकि ये चावल और खीर तो ऐसे बना दी मैंने, चावल तो चावलों के साथ ही खाए जाते हैं, चावल, घी, दही और ये भल्ले, जिनको कई लोगों को पहले भी याद होगा। तो इस वाले जो डोंगे में पता क्या करें, इसमें मैंने नमक डाला, हमारे इस तरह बनाते हैं, ये जो मैंने पानी उल्ट पलट किया इसमें 4-5 नमक के डाले और 1 लीटर पानी डाला। ठीक है और अब मैं यहाँ पे बनाने लग रही हूँ, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, यहाँ पे वीडियो मैंने फॉरवर्ड करी हुई है तो। और इनमें ये देखो बीच में छेद, और फिर इनको ये बड़ा बड़े वाला तवा रखा है मैंने, इसमें जल्दी बन जाते हैं। ठीक है और खीर भी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब जान ड्राइवर वे कृष्णा गड्डियां आप चलायो, जान ड्राइवर वे कृष्णा गड्डियां आप चलायो, जान ड्राइवर वे कृष्णा गड्डियां आप चलायो। उड़दे आसरे तेरे असे बना रे पंछी ओ कृष्णा, उड़दे आसरे तेरे मारे दूर ठिकाने ओ कृष्णा, लंबियां उड़ारां लायो, मारे दूर ठिकाने ओ कृष्णा, लंबियां उड़ारां लायो। अनजान ड्राइवर वे कृष्णा गड्डियां आप चलायो, और ये देखो 4, 3, 3, 6 रखे हुए हैं, और ये जो छेद जैसे डाले ना इनमें भी हम तेल डालते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर इनको अगर किसी को घी बिल्कुल अवॉइड करना है तो देखना, अभी मैंने को पानी में रखूँगी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़े कच्चे थे ना तब ये हो रहा था मतलब, और मीठी आंच पे, धीमी आंच पे इनको पकाना होता है, फिर अंदर तक पक जाते हैं, नहीं तो अगर तेज़ होती है ना आंच तो बाहर से ये जल जाते हैं और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं। ये देखो इनको फिर मैंने पलट दिया है धीरे धीरे,
टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा तवा ना इस पर चारों तरफ आँच कम लगती है, कोनों में इसके ना बीच में तो ठीक लगती है। ये देखो और बहुत टेस्टी होते हैं, कभी ट्राई ज़रूर करना सच में। तो अब मैंने इसमें जो हमने नमक वाला पानी लिया था ना, ये सारे मैंने उसमें डाल दिए और इनको हम रखेंगे 3-4 मिनट तक इसमें ही रखेंगे, तो नमक ये चोस कर लेंगे। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये नमक चोस कर लेते हैं। ये सामने मैंने रखे 5-6 के 6, जितने को बस दूसरी बार के जाएंगे 5-6 में ना, उतने को ये वाले फिर हम इनमें से उठा देंगे। तो फिर ये तले हुए भी नहीं रहे, तेल भी इनका निकल गया जो हमने डाला भी था थोड़ा बहुत ना ऊपर से, ताकि ये चिपके ना, इसलिए डालना पड़ता है। ठीक है, और बाकी आप लोगों के कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और 9 बज गए सुबह के, अभी मैंने घास को निकलना है। तो ये पानी वाले जो भल्ले होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और मेरे ख्याल में सारे नहीं बनाए जाते, बहुत कम जगह पे बनाए जाते हैं। आजकल तले हुए लोग ज़्यादा बनाते हैं, मैंने भी बनाए थे थोड़े से तले हुए लास्ट में, पर ये पानी वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे को। और उसके बाद हमारे घर में आए थे गेस्ट, तो मेहमान आए थे, तो ये देखो इस तरह से खाते हैं वो। मैंने बाद में बना, ये तो छोटी सी बच्ची ने बनाई थी क्लिप, जिसका ब्लॉग आपने शाम को देखा था। तो हनी के पापा भी बैठे हैं, और ये देखो मतलब चावलों के साथ ऐसे मिक्स करके जो है खाते हैं, और ये यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी है। और घी भी लेते हैं और बाद में फिर दही भी लेते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? वाह भाई, मैं तो पूरी वो बन रखी हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोग। बाकी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नया है, पहले का है, सभी लोग बोल रहे हैं मधु पहले वाले वीडियो डालो, पहले आप बहुत सारी रेसिपियाँ बनाती थी। अब मैं बनाऊँगी, इनको खिलाऊँगी, लेकिन मैं खुद नहीं खाऊँगी, क्योंकि पहले तली हुई ज़्यादा होती थी। क्या बोलते हैं उनको, सिड्डू मोमोज, तो चलो फ्राई करके बनाते हैं उनको, सॉरी स्टीम करके बनाते हैं। जलेबियाँ होती थी, समोसे तक मैंने बनाए, हर मिठाई मैंने बनाई है, और बहुत ज़्यादा प्यार उनको लोगों ने दिया है। ठीक है, तो उस टाइम लोग फ्री भी थे और देखते थे, और घर में लोग ट्राई करते थे क्योंकि बाहर तो दुकानें बंद थी। तो आज लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, किसने बनानी, हम खुद बना लेंगे। लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर पे बनाएं और घर की चीज़ खाएं, बाहर पता नहीं क्या क्या डाल के रखते। चलो बाहर की दुकानें बंद हो जाएगी अगर ऐसा ही लगे सोचने, पर कभी घूमने जाएं बाहर तो खा सकते हैं, लेकिन घर पे जब हम रहते हैं तो मैक्सिमम घर पे रहते हैं, हम कहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, और बस मैं ठीक हूँ, आप लोग भी हमेशा अपना ध्यान रखना। जय माता दी, राम राम। और अंत में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, मेरी माता रानी आप सबका कल्याण करे, आपकी भी माता रानी है वो, आपके बच्चों को कामयाब बनाए, और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जय माता दी।